बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, भाग 1। वे कक्षा 10 में विज्ञान विषय में पीएच स्केल वैज्ञानिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकी। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखो बच्चों, हमारे किचन के अंदर, हमारे घर के अंदर बहुत सी चीज़ें पड़ी होती है, रखी होती है, उनको हम मिक्स कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। जैसे आपने चीनी, नमक, पानी सब एक जगह मिक्स कर लिया तो वो मिश्रण बन गया, ठीक है। अब साइंस की भाषा में, अगर साइंस की लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिश्रण क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि जब एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हो, चाहे मात्रा निश्चित है कि चाहे मात्रा अनिश्चित है, क्या कहलाते हैं? अपने मिश्रण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? आपने 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक ले लिया, उसको मिक्स कर लिया तो भी वो मिश्रण है। आपने 10 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक लिया है, उसको मिक्स किया तो भी वो मिश्रण बनेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो मिश्रण किसे कहते हैं कि जब एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में क्या हो, आपस में मिले हुए हो, तो क्या कहलाएंगे? मिश्रण। अब जो अपने मिश्रण है, ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है अपने समांगी मिश्रण और दूसरा अपने है विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? 2 प्रकार के मिश्रण है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखो बच्चों, आखिर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होते क्या है? तो जब हम मिश्रण बना रहे हैं, ठीक है, तो जब हम मिश्रण बना रहे हैं, मिश्रण के सारे पदार्थ अगर हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो बच्चों वो कहलाएगा आपके समांगी मिश्रण। कैसे? जैसे हमने एक ग्लास पानी लिया, उस पानी के अंदर 1 चम्मच नमक मिक्स कर दिया। अब क्या आपको वो नमक दिखाई देगा? ये हमने एक ग्लास पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर हमने नमक मिक्स कर दिया है, तो क्या आपको दिखाई देगा कि अरे ये तो नमक का अणु है और ये पानी का अणु है? पहचान सकते हैं? नहीं ना, पूरा मिक्स है। हम अलग अलग नहीं पहचान सकते कि इसके अंदर नमक मिक्स है, चीनी मिक्स है कि क्या मिक्स है, ठीक है, देख के नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण कहलाएगा अपने समांगी मिश्रण, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट, इसका उल्टा होता है विषमांगी मिश्रण। मतलब ऐसा मिश्रण जिसके अंदर उपस्थित सभी पदार्थों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैंने एक ग्लास लिया है, उस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, इस पानी में कंकड़ पत्थर डाले हुए हैं या रेत डाली हुई है, तो आप पहचान जाओगे, देखो ये तो पानी है, इसके अंदर रेत मिक्स है या इसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हम आंखों से देख के पहचान सकते हैं, जबकि ये हम आंखों से नहीं देख के पहचान सकते कि इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो ये एक तो कहलाएगा विषमांगी, जो आंखों से पहचाना जा सके, देखा जा सके, और जो नहीं पहचाना जा सके वो क्या कहलाएगा बच्चों? अपने समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो आगे हम पढ़ते हैं विलयन। अब विलयन क्या होता है? विलयन भी जो एक प्रकार का मिश्रण ही है, लेकिन ये कैसा मिश्रण है? ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही बच्चों हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। देखो हमने एक चीनी ली,
एक चीनी नहीं, चीनी ली और उसको पानी में विलय कर दिया, ठीक है। मतलब हमने एक ग्लास के अंदर पानी है, उस पानी के अंदर चीनी मिक्स कर दी। तो ये जो अब मिश्रण बना, ये मिश्रण ही क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब जो विलयन है ये दो चीजों से मिलके बना होता है, मतलब विलयन के अंदर देखो दो चीजें आ गई, एक तो चीनी है एक पानी है, ठीक है। तो अलग अलग विलयन बनेंगे तो हम अलग अलग नाम बोलेंगे, इसलिए हम एक नाम ले लेते हैं, ठीक है। विलयन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है विलय, क्या होता है विलय, एक होता है विलायक, ठीक है। अब देखो बच्चों विलायक क्या होता है, विलायक वह पदार्थ है जिसके अंदर विलय घोला जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है वो विलायक होता है। दोनों बातें एक ही है, ठीक है। विलायक, अब मुझे ये बताओ कि हमने ये ग्लास लिया, इसमें पानी है, इसमें एक चम्मच चीनी मिक्स कर दी, विलायक कौन है, पानी या चीनी? पानी है ना, क्यों, हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं, इसका मतलब पानी ज्यादा है, ठीक है। तो जो ज्यादा है या जिसके अंदर हम दूसरे पदार्थ को घोल रहे हैं वो हो गया विलायक। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों विलय, मतलब जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में कम होती है या जिस पदार्थ को हम विलायक में घोलते हैं वही पदार्थ क्या है, विलय। यहाँ पे चीनी का पानी, जब पानी का विलयन बनाया, इसमें से चीनी या पानी में से विलय पदार्थ कौन सा है बच्चों, चीनी हुई ना, क्यों, क्योंकि चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, चीनी को हम काय में घोल रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, तो चीनी क्या हो गई, चीनी तो आपके विलय हो गई और पानी अपने क्या हो गया, विलायक हो गया। हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, देखो विलयन के, ये चीनी का विलयन है, टिंचर का विलयन है, सोडा कोक का विलयन है और ये वायु का विलयन है, ठीक है। अब देखो चीनी का विलयन के बनाने के लिए हमने पानी में चीनी घोली, ठीक है, तो इसमें विलय क्या हो गया, विलय पदार्थ कौन सा है, चीनी, क्योंकि चीनी को हमने पानी में घोला, ठीक है। टिंचर बनाने के लिए हमने अल्कोहल में आयोडीन घोली, क्या घोली, आयोडीन, तो इसमें विलय कौन सा हो गया, इसमें विलय हो गया आयोडीन, ठीक है। सोडा कोक बनाने के लिए पानी में हमने क्या घोला, CO2 घोली, ठीक है, तो विलय कौन सा हो गया इसमें, CO2। आगे हम बात करते हैं ये जो विलयन है इसके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला गुण तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो विलयन है वो समांगी मिश्रण होता है, ये विषमांगी नहीं होता। विलयन बनने के बाद हम आंखों से पहचान नहीं सकते इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, क्लियर। आगे है विलयन के कण छोटे होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, विलयन के कण भी छोटे होते हैं, हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते, तभी तो समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण है तभी तो विलयन बना, क्लियर है, ठीक है। अब विलयन के कण इतने छोटे होते हैं, छोटे होते हैं तभी तो देख नहीं सकते, और छोटे होने के कारण ही ये कण प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए हमें उनका मार्ग भी नहीं दिखता है। और इनको अगर हम छाने, जैसे मैंने एक ग्लास के अंदर, एक ग्लास पानी के अंदर मैंने चीनी मिक्स कर दी, ठीक है, पानी के अंदर चीनी डाली, तो क्या होगा, अब ये विलयन बनने के बाद मैं इसको छालनी से छानती हूँ तो क्या चीनी चीनी ऊपर रह जाएगी, नीचे पानी पानी निकलेगा, या पूरा का पूरा विलयन ही छालनी में से निकल जाएगा, ऊपर चीनी बचेगी क्या, नहीं। इसका मतलब हम इसको छान के पृथक नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं कि मैं छालनी से छानूं पानी अलग हो जाए चीनी अलग हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये स्थाई विलयन है, स्थाई का मतलब अब चीनी पानी में मिक्स हो गई ना तो वो हो ही गई है, आप चीनी को अलग थोड़े निकाल सकते हो छान के, तो कैसा विलयन बना, स्थाई विलयन। आगे हम बात करते हैं बच्चों विलयन के प्रकार की। अब जो विलयन है ये भी दो प्रकार का होता है, सबसे फर्स्ट तो है संतृप्त विलयन और अपने सेकेंड है असंतृप्त विलयन। अब ये दोनों विलयन क्या होते हैं, चलो हम पढ़ते हैं। संतृप्त विलयन तो क्या होता है कि वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है, क्या, निश्चित ताप पर और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है, नहीं घुल सकता बच्चों, वो तो हो गया संतृप्त विलयन, ठीक है। और जिसमें और अधिक विलय पदार्थ घुल सकता है वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया असंतृप्त विलयन। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे एक चम्मच पानी लिया, ठीक है, मैंने इसमें एक चम्मच चीनी मिक्स की, वो चीनी मिक्स हो गई इसमें, अब बताओ मैं एक चम्मच पानी के अंदर अगर 10 चम्मच चीनी डालूंगी तो क्या घुल पाएगी, वो नहीं घुल पाएगी ना। तो इसी तरीके से कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी एक निश्चित मात्रा ही क्या है, विलायक में घुल सकती है, तो वो विलयन तो क्या हो जाएंगे, असंतृप्त।
निश्चित मात्रा घुल सकती वो तो हो जाएंगे असंतृप्त, जिसके निश्चित मात्रा से ज्यादा उसमें नहीं घुल सकता वो हो जाएगा बच्चों संतृप्त। दोनों बातें क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। ठीक है बच्चों, सांद्रता का मतलब है ना, ये होता है कि उसमें कितने अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि कितने अधिक मात्रा के अंदर उसके अंदर घोला गया पदार्थ है। ठीक है, जैसे अपन ने बात की कि मैंने एक गिलास दूध लिया और एक गिलास पानी लिया, ठीक है दोनों एकदम शुद्ध है। अभी जो दूध का गिलास है उसकी सांद्रता बिल्कुल प्योर है, 100% है। जैसे जैसे मैं उसमें पानी डालती जाऊंगी दूध की सांद्रता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है दूध में, दूध से ज़्यादा पानी हो गया है। मैं दो गिलास उसमें पानी डाल दूंगी, इसका मतलब उसमें दूध तो बहुत कम हो गया है, उसकी सांद्रता और कम हो गई है। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब क्या हो गया कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मात्रा कितनी है, उनकी मात्रा को हम बच्चों सांद्रता बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सांद्रता निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो हम उसके द्रव्यमान प्रतिशत विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। यह फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। ठीक है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। देखो बच्चों, विलयन दिया है हमें और उसके अंदर विलायक कितना है, 320 ग्राम। देखो जो भी विलयन होता है उस विलयन में आपको मालूम है दो चीजें होती है, एक तो होता है विलेय पदार्थ, ठीक है, प्लस एक होता है विलायक। ये तो मालूम है ना हमें। अब हमें बोल रहे हैं कि 320 ग्राम तो क्या है, विलायक। विलायक कितना है, 320 ग्राम, ये लो जी। और अपने पास 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक, मतलब इसमें विलेय क्या है, नमक है, ये कितना है, 40 ग्राम है जी। ये लो, बिल्कुल समझ में आ गया। तो विलयन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 320 और 40 कितने हो गए, विलयन कितना हो गया, 360 ग्राम हो गया। अब हमें बोल रहा है कि विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सांद्रता का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 40, तो हम सबसे ऊपर लिख देंगे 40 ग्राम। ठीक है, नीचे लिखेंगे हम विलयन का द्रव्यमान कितना आया, 360 ग्राम इंटू 100। ठीक है, आप इसको कट करोगे तो लगभग 11 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ की सांद्रता को निकाल सकते हैं। निलंबन क्या होता है, निलंबन बच्चों, निलंबन के अंदर विलायक जो होता है उसके अंदर अघुलनशील विलेय घुला हुआ होता है, या फिर आप ये कहो कि इसमें जो पदार्थ घुले हुए होते हैं उन्हें हम अपनी आंखों से नहीं आंखों से देख सकते हैं, और ये क्या है, उसके अंदर अघुलनशील होते हैं। जैसे जैसे हमने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है, पानी के अंदर हमने रेत मिक्स कर दी, क्या मिक्स कर दी, रेत। तो रेत के कण हमें पानी के अंदर दिखते हैं या नहीं, पानी हमें धुंधला दिखता है एकदम कि हाँ इसके अंदर मिट्टी मिक्स है या रेत मिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो मिश्रण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे निलंबन। अब निलंबन के गुण होते क्या क्या है, तो देखो बच्चों सबसे पहला तो ये विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी का मतलब आप समझ ही गए हो, ये हमें आंखों से दिखाई देता है क्या, हाँ जी बिल्कुल देता है, अभी हमने पढ़ा था कि आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसे हम आंखों से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, तभी तो ये क्या है, निलंबन है। इसके बाद ये क्या है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। और कुछ समय के लिए हम इस पानी को जिसके अंदर रेत मिक्स है, ठीक है, कुछ समय के लिए हम इसको छोड़ दे बिना हिलाए, इसको हिलाए नहीं तो क्या होगा, जो रेत है वो धीरे धीरे नीचे जमने लग जाएगी, पूरी नीचे बैठ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और पानी क्या है, ऊपर अलग हो जाएगा, मतलब कि इसको अगर हम शांत अवस्था में छोड़ दे तो ये कण क्या है, नीचे बैठ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। तीसरी बात नेक्स्ट क्या है कि छनन विधि के द्वारा, मतलब छान कर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। जैसे आपने एक ग्लास के अंदर पानी के अंदर क्या मिक्स किया था, नमक मिक्स किया था,
ठीक है, आपने इसको छाना तो छानने से ये हुआ क्या कि नमक तो चालनी में रह गया, पानी पानी निकल गया, नहीं ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा निकल गया था नीचे। जबकि हम इस प्रकार के मिश्रण को अगर छानेंगे तो क्या होगा, मिट्टी या रेत तो ऊपर रह जाएगी चालनी के अंदर, ठीक है, और पानी पानी क्या हो जाएगा, छन के अलग हो जाएगा। यह है अस्थाई है बच्चों। अस्थाई क्यों है, क्योंकि देखो हमने रेत को अलग कर लिया छान के और पानी को अलग कर दिया, जबकि इस वाले में नहीं हुआ था, इसलिए ये वाला जो नमक वाला मिश्रण बना ये तो कैसा था, स्थाई, और ये कैसा है, अस्थाई। अगर छानने, जब हम इसको छाने तब पानी के साथ रेत भी निकल जाती तो ये स्थाई प्रकार का मिश्रण होता। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कोलाइड की। कोलाइड क्या होता है, ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण ही है। कैसा मिश्रण है, विषमांगी, लेकिन इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। आप ये मत समझना कि आंखों से नहीं देख सकते तो ये समांगी है, नहीं नहीं, इसके कण ना तो बिल्कुल छोटे होते हैं और ना ही बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं कि हम इनको आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला सकते हैं, ठीक है। तो ना तो बहुत ही छोटे हैं विलयन की तरह और ना ही बहुत बड़े हैं निलंबन की तरह, ठीक है। तो कितने छोटे हैं कि हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने बड़े हैं कि प्रकाश को फैला देंगे। जैसे हम बात करते हैं रक्त की, आपको मालूम है हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, इसके अंदर आरबीसी होती है। हाँ जी, आपने इसके अंदर ये भी सुना होगा इसमें डब्ल्यूबीसी होती है, बिल्कुल होती है। आपने ये भी सुना होगा इसमें प्लेटलेट्स होती है, वो भी होती है, ठीक है। लेकिन क्या ये आपको आंखों से देखने पे दिखाई देती है, क्या नहीं देती ना। आप अपने ब्लड को देख के ये नहीं बता सकते ना, ये देखो ये तो आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं बता सकते। लेकिन वो उसमें होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं ना। तो ये किस प्रकार का, किसका उदाहरण हुआ, ये हुआ कोलाइडी विलयन का। क्लियर, ऐसे ही हमारा दूध है, क्रीम है, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये है कोलाइडी के। अब हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव की, कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। अभी हमने कहा था कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से देखे नहीं जा सकते, लेकिन इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश को फैला देते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी नोटिस किया है, ध्यान दिया है, तो हमारे घर की जो खिड़की होती है उसके अंदर से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो आपको उसके अंदर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, ठीक है। और बाकी जगह भी सूर्य का प्रकाश है, लेकिन आपको क्या वहां पे भी सूर्य के प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं देता। लेकिन आपको उस जगह उसका मार्ग दिखाई देता है कि ये देखो सूर्य का प्रकाश इतनी दूर तक आ रहा है, या इतनी इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, यहां तक आ रहा है, पूरा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो क्या दर्शाता है, वो टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है बच्चों। तो टिंडल प्रभाव हम किसे कहेंगे, कि जो कोलाइडी विलयन होता है उसके अंदर प्रकाश पुंज गुजरता है तो प्रकाश का में मार्ग दिखाई देता है। किसका मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का, यही बच्चों टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये देखो एक वन का एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, ये सूर्य यहाँ पे चमक रहा है और इसका ये देखो ये किरणें आपको दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल में छोटे छोटे कोलाइडी कण मौजूद है। ये कण क्या करते हैं, इनको किरणों को फैला देते हैं और हमें किसका मार्ग दिख रहा है, प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है बच्चों। ये देखो हमने यहाँ पे दो ग्लास लिए हैं, पहले वाले ग्लास में तो कॉपर सल्फेट का विलयन है बच्चों हमारे पास, और दूसरे ग्लास में हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉर्च, एक टॉर्च को ऑन करते हैं जिससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, या आप ये मान लो कि सूर्य की किरणों के सामने रखो, ठीक है। तो जो पहला वाला ग्लास है, जो ग्लास एक है जिसमें कॉपर सल्फेट है, उसमें से तो क्या होगा, ये प्रकाश का जो मार्ग है वो हमें दिखाई नहीं देगा, प्रकाश इसमें से गुजर रहा है, ये देखो इधर से बाहर आ गया, लेकिन क्या आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, आपको मालूम नहीं चल रहा है कि किरण इधर से आई है कि इधर से आई है, ठीक है। लेकिन जब ये वाला, यही प्रकाश किसके अंदर, दूध और पानी के मिश्रण के अंदर प्रवेश करता है, तो देखो बच्चों आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है कि किरण यहां तक आ रही है, ये किरण यहां तक आ रही है और बीच के अंदर ये प्रकाश है,
दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या हुआ, ये टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है बच्चों, ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो ये कोलाइडी है विलयन, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण होता है, ये हमें अच्छे से समझ में आ ही गया है, ठीक है। कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा होता है कि ये क्या करते हैं, प्रकाश किरण को फैला सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई। अब हम इसे छनन विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा? छनन विधि के द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये देखो बच्चों, हमारे पास परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था ही दी गई है कि इससे किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनता है, ठीक है। परिक्षेपण का मतलब आप ये समझ लो विलायक, ठीक है। हमने जब पढ़ा था ना विलयन बनाने के लिए, विलय और विलायक, ये विलायक के जैसा ही है, और ये वाला किसके समान है, परिक्षिप्त प्रावस्था विलय के समान। मतलब अगर हम किसी गैसीय पदार्थ के अंदर कोई द्रव पदार्थ मिक्स करेंगे तो उससे किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनेगा, उससे एरोसोल बनेगा। यदि हम ठोस पदार्थ को गैस के अंदर मिक्स करेंगे तो उससे भी बच्चों एरोसोल मिलेगा। मतलब गैस में आप ठोस मिक्स करो या द्रव मिक्स करो, क्या बनेगा बच्चों, एरोसोल, ठीक है। अब यदि हम किसी द्रव पदार्थ में गैस को मिक्स करेंगे तो बच्चों फोम बनेगा। फोम देखा है आपने, कुछ इस तरीके से आता है, इसमें काफी सारे छेद से होते हैं, छिद्र होते हैं, अगर आप इसको दबाओगे ना तो स्पंजी होता है ऐसे, इतना सा भी हो जाएगा, छोड़ने पे वापस ये इतना बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोम कैसे बना, हमने क्या किया, द्रव के अंदर किसको मिक्स किया, गैस को मिक्स किया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप द्रव के अंदर द्रव को मिक्स करोगे तो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन बनेगा बच्चों, तो बनेगा इमल्सन। जैसे पानी है, ठीक है, पानी के अंदर मैंने दूध मिक्स कर दिया, तो पानी भी क्या है, द्रव है, दूध भी क्या है, द्रव है, दोनों द्रव है। तो जब इसको मिक्स करेंगे तो बनने वाला कोलाइडी विलयन क्या कहलाएगा बच्चों, इमल्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द्रव के अंदर अगर हम ठोस को मिक्स करें तो क्या बनेगा बच्चों, तो सोल बनेगा, और ठोस के अंदर गैस को मिक्स कर दे तो क्या बनेगा, तो बनेगा बच्चों फोम, ठीक है। द्रव के अंदर गैस को मिक्स करो चाहे ठोस के अंदर गैस को मिक्स करो, इन दोनों का किस प्रकार का मिश्रण बनेगा, दोनों का बनेगा बच्चों फोम, ठीक है। अगर ठोस के अंदर आप द्रव मिक्स कर दोगे तो बच्चे बनेगा बच्चों जेल, ठीक है। ठोस में अगर द्रव मिक्स करेंगे तो बनेगा जेल, और ठोस माध्यम के अंदर अगर ठोस ही विलय हो, ठोस ही प्रावस्था हो, तो क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा ठोस सोल, ठीक है। बात समझ में आई क्या। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किससे कौन कौन सा एग्जांपल है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एरोसोल की। एरोसोल क्या था, गैस के अंदर हमने द्रव मिक्स किया था, क्या किया था, गैस में द्रव मिक्स किया था, तो किसका निर्माण हुआ, एरोसोल। आप मुझे बताओ जैसे एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे है बादल, ठीक है। बादल क्या होता है बच्चों, बादल क्या है, गैस होती है, गैस के अंदर क्या मिक्स हो गया, जो वायुमंडल है अपने आसपास उसमें गैस होती है विभिन्न प्रकार की, इस गैस के अंदर विभिन्न प्रकार के द्रव, जैसे पानी, अगर पानी मिक्स हो गया तो क्या बना, एरोसोल, और ये वायुमंडलीय गैसों में पानी मिक्स हो गया तो क्या बनता है, बादल। तो बादल किसका एग्जांपल है बच्चों, एरोसोल का, ठीक है। ऐसे ही एरोसोल का है और एग्जांपल है धुआं, फोम का एग्जांपल है शेविंग क्रीम, इमल्शन का एग्जांपल है दूध, सोल का एग्जांपल है अपना कीचड़ मान लो, फोम का एग्जांपल, तो फोम आप समझते ही हो, इसके अलावा स्पंज है, जेल, जेली, पनीर, मक्खन, ये सब किसका एग्जांपल है, जेल के। और ठोस सोल का एग्जांपल क्या है, जितने भी रंगीन और रत्न और पत्थर होते हैं वो किसके एग्जांपल है बच्चों, वो है आपके ठोस सोल के, ठीक है बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ के आइएगा, थैंक यू। बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा 10 में विज्ञान विषय में पीएच स्केल पे कुछ दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकी। आज हम इस वीडियो के अंदर अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुण और साथ में पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, अम्ल व क्षार के बारे में हमने पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे, ये पढ़ चुके हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा जो अम्ल होते हैं बच्चों, वो नीले लिटमस पेपर को किसमें बदल देते हैं, नीले लिटमस पेपर को बदल देते हैं लाल में, और क्षार क्या करती है, लाल लिटमस पेपर को बदल देती है नीले में। अगर हमें ऐसे याद नहीं हो तो हमने एक नाम याद किया था अनिल, ठीक है ना, और एक नाम याद किया था हमने शालिनी,
इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और शालिनी मतलब शार लाल लिटमस को नीले में बदल देती है। आगे हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं ना बच्चों, ये किसी भी धातु के साथ क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके क्या देते हैं, H2 गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखो ये अम्ल है, ये किसी भी धातु के साथ क्रिया करेगा, क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, प्लस साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने एक अम्ल लिया है H2SO4, इसकी अभिक्रिया करवा दी हमने ZN जिंक धातु से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnSO4 और यहाँ से ये हाइड्रोजन गैस बच्चों क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। इसीलिए हम किसी भी खट्टे पदार्थ को किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, क्यों, इसी कारण नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं ना बच्चों, ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। अगर ये अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या देंगे, तो देंगे हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये अगर धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करे तो बच्चों लवण और जल बनाते हैं। इधर देखो ये धातु ऑक्साइड के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया कराए गए और लवण और जल बन रहा है। देखो धातु ऑक्साइड है या कॉपर, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई HCl से, तो क्या बना लिया, ये CuCl2 प्लस H2O, तो किसका निर्माण हो गया, ये तो है लवण और ये निर्माण हो गया अपने जल का, ठीक है। अब जितने भी अम्ल और क्षार है बच्चों, इनका अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे, मतलब किसी का भी जलीय विलयन बनाओ, चाहे आप अम्ल का जलीय विलयन बनाओ, चाहे आप क्षार का जलीय विलयन बनाओ, तो क्या होगा, वो बनने वाला विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब उसके अंदर करंट आता है, उसके अंदर लाइट बह सकती है, किसके अंदर, अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन के अंदर, क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कि जो अम्ल और क्षार है ये परस्पर क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। अम्लों का स्वभाव कैसा होता है, खट्टा, क्षार होती है कड़वी, लेकिन इनको अगर परस्पर क्रिया करा दे तो ये क्या हो जाती है, उदासीन हो जाते हैं, इनका प्रभाव नहीं रहता है। इसी अभिक्रिया को हमने कहा था बच्चों उदासीनीकरण, ठीक है। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। आपको इसके साथ में एक रिएक्शन भी लिख के आनी होगी, जैसे अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण में जल बना लिए, तो हमने अम्ल क्या लिया है, हमने लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षार हमने लिए NaOH, दोनों क्या करेंगे, यहाँ से तो ये H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा और यहाँ से ये OH नेगेटिव आयन निकल जाएगा और NaCl क्या हो जाएगा, लवण बन जाएगा और ये HOH के साथ जुड़ के जल बना लेगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों pH स्केल की। pH स्केल क्या होता है, pH स्केल बच्चों हमारे एक काम में आता है, वो हमें बताता है अम्ल व क्षारों के बारे में कि कौन सा अम्ल कैसा है, प्रबल है, दुर्बल है, या कोई जो पदार्थ है वो उदासीन है या क्षारीय है, प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है, कैसे। देखो pH स्केल किसे कहते हैं हम, pH स्केल जो है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक है, उसे ही हम कह रहे हैं pH स्केल। मतलब pH कहते किसे हैं हम, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन को ही हमने pH स्केल कहा है। तो देखो जो pH स्केल होता है ना बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर एक से लेके, इसके ऊपर एक से लेके जीरो से लेके 14 तक अंक लिखे हुए होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो 7 नंबर पे है ना बच्चों, 7 नंबर पे जो भी पदार्थ आएंगे ना, वो होते हैं उदासीन। कैसे होते हैं वो उदासीन होते हैं। यहाँ 7 नंबर पे जो भी पदार्थ आएगा बच्चों, वो अपने होगा उदासीन, ठीक है। अब इस 7 नंबर से हम जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे, 7 नंबर से जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अम्लीयता ज़्यादा होती जाएगी। मतलब 7 के पास आया 6, ये थोड़ा अम्लीय होगा, 6 से ज़्यादा अम्लीय 5 होगा, 5 से ज़्यादा अम्लीय 4, 4 से ज़्यादा 3, 3 से ज़्यादा 2, 1 और 0, यहाँ तक आते आते प्रबल अम्ल हो जाएंगे, ठीक है।
ऐसे ही हम सात से जैसे जैसे उधर जाएंगे इस वाली साइड में क्षारीय गुण बढ़ते जाएंगे, मतलब सात के बाद यहाँ आएगा आठ, तो उदासीन के मुकाबले और थोड़ा सा क्षारीय होगा, आठ के मुकाबले नौ नंबर वाला ज़्यादा क्षारीय होगा, दस वाला इससे ज़्यादा होगा, ग्यारह वाला, बारह, तेरह और चौदह नंबर एकदम प्रबल क्षार होगी, ठीक है। तो सात नंबर पे क्या होगा, उदासीन, और सात से जैसे जैसे इधर आते जाएंगे जीरो की तरफ अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और सात से जैसे जैसे चौदह की तरफ जाते जाएंगे बच्चों क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि हमने आपको चार पदार्थ दिए हैं, ठीक है, आपको बताना है इन पदार्थ के अंदर से अम्ल कौन है, ठीक है। आपको दे दिया कि उन पदार्थ वो है ए, बी, सी और डी, ये चार पदार्थ हैं। पहले वाले पदार्थ की पीएच का मान आपको दे दिया सात, दूसरे वाले का दे दिया 9.5, तीसरे वाले का दे दिया 8.7 और इसका दे दिया आपको 4.5। अब आपसे पूछा है कि बताओ अम्लीय कौन है, तो अगर आपको पीएच स्केल पता है तो आप बता दोगे कि जो सात होता है वो होता है उदासीन, सात से ज़्यादा चौदह तक होते हैं क्षारीय और सात से कम क्या होते हैं बच्चों अम्लीय। तो ये तो सात है, ये उदासीन, ये सात से ज़्यादा है, ये क्षार है, ये सात से ज़्यादा है, ये भी क्षार है, ये सात से कम है, तो ये क्या होगा, अम्लीय हो गया। अब आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मैंने आपको तीन पदार्थ दिए हैं ए, बी, सी, ठीक है, इनके पीएच का मान है एक का सात है, एक का पाँच है, एक का तीन है, अब हमें बताइए इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो आपको पीएच स्केल याद है तो बता देंगे कैसे कि सात का मतलब ये तो उदासीन है, ठीक है, और ये है पाँच, पाँच सात से कम है ना, सात से कम है होने का मतलब ये अम्लीय तो है, ठीक है, और तीन भी सात से कम है, ये भी अम्लीय है। अब आपसे पूछा है कि प्रबल अम्ल कौन सा है, ज़्यादा स्ट्रोंग अम्ल कौन सा है, तो देखो बच्चा सात से जितना ज़्यादा हम दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होता होगा, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो सात के जस्ट पास क्या है, छः, छः के जस्ट पास क्या है, पाँच, मतलब ये अम्लीय तो है। उसके बाद आता है चार, तीन, ये सात से थोड़ा दूर है ना, इसका मतलब ये तो अम्ल है लेकिन पाँच वाले पीएच के मुकाबले तीन वाला प्रबल अम्ल है। तो आप आंसर बता सकते हो उसका आंसर क्या है, इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है जिसका पीएच का मान तीन है, ठीक है बच्चों। आगे है देखो, ये आपको कुछ रसायनों के पीएच के बारे में बताया गया है कि HCl है वो क्या है, वो अम्लीय है क्योंकि उसका पीएच का मान सात से कम, जठर रस अम्लीय है, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर का रस, आपके इमली, सिरका, ये सब क्या है, ये सब है आपके अम्लीय। अगर हम बात करें कि क्षारीय, तो NaOH है आपका, रक्त है, ब्लड है, साबुन का पानी है, जो सोडा युक्त शीतल पे कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है अपने क्षार। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये पीएच है, इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में, हमारी सामान्य जिंदगी में क्या महत्व है। तो देखो बच्चों कि जब आपको मालूम है हमें कई बार बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में जलन महसूस होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। तो हमारे पेट में जब एसिडिटी होती है या अम्लीयता की शिकायत होती है तो डॉक्टर हमें दवाई देता है। अब आपको मालूम है हमारे पेट के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, तो हम जो दवाई ले रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो है एक तरीके की क्षार। वो क्या करेगी, हमारे पेट में अम्ल है, हम क्षार ले रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो जब वो आपके पेट के अंदर वो क्षार जाएगी तो जो अम्ल है अपने गुण खोएंगे कि नहीं खोएंगे, और आपको जलन कम महसूस होगी। तो डॉक्टर हमें एक पीने की शीशी भी देता है, ठीक है, वाइट कलर की, वो होती है बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब लेते हैं, जब हमारे उदर में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आपको याद होना चाहिए MgOH का होल ट्वाइस, ये किसका सूत्र है, ये है अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। आगे हम बात करते हैं बच्चों दंत शे। अब होता क्या है, जो हमारा मुंह है, हमारे मुंह के अंदर सभी दांत हैं और हमारे मुंह का भी एक पीएच का मान होता है और हमारे दांत भी एक विशेष पीएच पे ही रह पाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो मुख है उसका पीएच लगभग 6.5 के करीब होती है। अब हमारे क्या है, हम ब्रश
नहीं करते हैं या बहुत गंदा खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के पीएच का मान क्या होगा, बदल जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो बैक्टीरिया, हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे मुख में रह जाएगा तो उस पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। यह बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्लों का निर्माण कर देते हैं, और जैसे ही अम्लों का निर्माण होगा तो हमारी जो पीएच का मान 6.5 है उससे कम होगा कि नहीं, क्योंकि अम्लों का निर्माण हो रहा है तो इसके पीएच का मान कम हो जाता है। और जैसे ही पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों के ऊपर एक इनेमल नाम की परत पाई जाती है, वो परत क्या हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम खाने के बाद ब्रश करते हैं तो जो पेस्ट हम यूज में लेते हैं वो जो दंत मंजन है वो एक तरीके का क्षार होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे जो भोजन के ऊपर जो बैक्टीरिया थे वो अम्लों का निर्माण कर रहे हैं, अब हम जो पेस्ट कर रहे हैं वो पेस्ट है क्षार, तो हमारे मुख में तो अम्ल है, पेस्ट में क्षार है, तो आपको मालूम है अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके उदासीन हो जाएंगे तो हमारे जो मुख का पीएच है वापस सामान्य वाला आ जाएगा। आगे हम बात करें कीटों के डंक की। आपको कभी चींटी ने काटा है, ततैये ने काटा है या मधुमक्खी ने काटा है तो हमें जलन महसूस होती है और कभी कभी तो फूल भी जाती है, वो जगह सूजन आ जाती है। तो जलन हमें क्यों महसूस होती है, वो जलन इसलिए महसूस होती है क्योंकि उनके जो डंक होते हैं ना बच्चों, उस डंक के अंदर भी अम्ल पाया जाता है। कि जो इनके डंक होते हैं ना मधुमक्खी के, चींटी के, इनके डंक के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। वो अम्ल जब हमारी त्वचा में प्रवेश कर जाता है तब हमें क्या होती है, जलन महसूस होती है। तो उसके बाद हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेप लगाते हैं या कोई दवाई लगाते हैं तो वो दवाई क्या होती है बच्चों, उस दवाई के अंदर कोई ना कोई क्षार उपस्थित होगा, तभी वो क्षार और अम्ल परस्पर क्रिया करके क्या होंगे, उदासीन होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं उस स्थान पर, जिससे हमें जलन कम महसूस होती है और जो अम्ल है वो उसका प्रभाव कैसा हो जाता है बच्चों, उदासीन हो जाता है। आगे बात करें अम्लीय वर्षा। अब जो हमारे बारिश होती है ना बच्चों, इस बारिश का आपको पता है जल का भी कोई ना कोई पीएच होता है, ठीक है, लेकिन हमारे आसपास इतना पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है कि वातावरण के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो जब बारिश होती है तब क्या होता है, बारिश होने के कारण ये जो प्रदूषक है वो उस बारिश के पानी के साथ मिक्स होंगे कि नहीं, जब बारिश होगी तो प्रदूषक उसके साथ घुलेंगे तो उस जल के पीएच का मान भी बदलेगा कि नहीं। तो वो पीएच जब बदल गया, ऐसा प्रदूषकों वाला पानी हमारी धरती पे आएगा, पृथ्वी पे आएगा, तो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं, पहुंचाएगा। तो इससे ही बच्चों हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। देखो वर्षा जल वैसे तो शुद्ध होता है लेकिन जब वो वर्षा होती है और वहाँ का जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण के कारण उसके पीएच क्या होती है, कम होने लगती है। और पीएच अगर कम हो रही है बच्चों, आपको मालूम है ना जल की पीएच का मान 7 होता है शुद्ध जल का, क्यों, क्योंकि उदासीन होता है। अपन पानी पीते हैं आपको खट्टा लगता है क्या या कड़वा लगता है, नहीं लगता ना, क्योंकि उदासीन होता है। लेकिन अम्लीय वर्षा का मतलब हो रहा है कि जब वो प्रदूषक उसके से बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर धरती पे आते हैं तो उस पानी के पीएच का मान वो 7 से कम कर देंगे, और 7 से कम होने का मतलब क्या है, अम्लीय। इसलिए हम इसे कह रहे हैं बच्चों अम्लीय वर्षा। तो जब ये अम्लीय वर्षा होगी तो ये सारा का सारा पानी खेतों तक जाएगा, मिट्टी तक जाएगा, नदियों से, ठीक है। तो इस प्रकार की बारिश के कारण क्या होगा, तो जो फसल बन रही है वो फसल क्या होगी, प्रभावित होगी, अच्छे से पनप नहीं पाएगी। इसी कारण प्रदूषकों के नियंत्रण रखकर अम्लीय वर्षा को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे जो वाहन है इसका भी प्रदूषक हम चेक करवाते हैं ना, क्यों कराते हैं, इसी कारण करवाते हैं ताकि प्रदूषण ज़्यादा उत्पन्न ना करें। आगे हम बात करते हैं मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, कि जो हमारी मिट्टी होती है ना बच्चों उसका भी एक पीएच का मान होता है। अगर आपको ध्यान है तो आपका अपना एक खेत होता है, खेत के अंदर फसल लगती है, पेड़ पौधे लगते हैं। एक फसल आप वहाँ लगा रहे हो जहाँ पे क्या है, सड़क का किनारा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा साधन आ रहे जा रहे हैं। तो दोनों में से ज़्यादा अच्छी मिट्टी आपको कहाँ मिलेगी, खेत की मिट्टी या सड़क के किनारे की मिट्टी, खेत की ना, क्यों, क्योंकि उसके पीएच का मान
संतुलित है, लेकिन जो सड़क के किनारे मिट्टी होगी वो क्या है, मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण और प्रदूषण के कारण क्या है, उसकी पीएच का मान बदल जाता है। तो जैसे अगर पीएच का मान बदल जाएगा तो बोए जाने वाली फसल है वो उसका चयन करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छे से फसल लग नहीं पाएगी ना जिस पीएच का मान बदल गया है जिस मिट्टी में। और उसके लिए हमें क्या है, हमें उर्वरकों का उपयोग करना पड़ेगा। अब जब उसमें हम उर्वरक डालेंगे तब क्या है, उस मिट्टी का पीएच का मान वापस संतुलित अवस्था में आएगा और वहाँ पर कोई भी फसल लगेगी। ऐसे कौन कौन से यौगिक है जो हमारे डेली रूटीन में काम में आते हैं, तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं बच्चों NaCl के बारे में। NaCl का क्या रासायनिक नाम क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। और इसको साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, साधारण नमक। जो नमक हम हमारे खाने में उपयोग में लेते हैं बच्चों, उसी का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है, जिसका रासायनिक नाम होता है बच्चों सोडियम क्लोराइड। अब बात आती है कि हमें ये सोडियम क्लोराइड मिलता कैसे है, तो बच्चों समुद्र का जो पानी होता है उस पानी से या फिर जो खारा पानी होता है उसके द्वारा हमें क्या मिलता है, हमें NaCl सोडियम क्लोराइड मिलता है। लेकिन इस प्रकार का जो नमक हमें मिल रहा है उसके अंदर काफी अशुद्धियां होती है, ठीक है, MgCl2 जैसी अशुद्धियां उसके अंदर घुली हुई होती है, एकदम शुद्ध रूप से वो नहीं मिलता है। तो उन अशुद्धियों को दूर हम कैसे करें कि हमें शुद्ध नमक मिले, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि जो NaCl का संतप्त विलयन मिल रहा है इसके अंदर हम HCl गैस को प्रवाहित करेंगे। HCl गैस प्रवाहित करने से क्या होगा, हमें शुद्ध रूप से NaCl मिलेगा। अब जो ये NaCl होता है, जो साधारण नमक है जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, इसके गुण क्या क्या है बच्चों, सबसे पहली बात ये श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है और कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो गलनांक है बच्चों वो उच्च होता है, कितना होता है, 1081 केल्विन होता है, ठीक है। जो साधारण नमक है वो जल के अंदर घुलता है या नहीं घुलता, घुलता है ना, इसका मतलब ये जल में क्या है, जल में ये अत्यधिक विलय है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। और इसका जलीय विलयन अगर हम बनाए किसका बच्चों, सोडियम क्लोराइड का, तो वो आयनित हो जाता है। आयनित मतलब इधर देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या है अपना, NaCl ये है ना, अगर हम इसको जलीय विलयन बनाएंगे तो बच्चों ये Na+ और Cl- के अंदर टूट जाएगा, अपघटित हो जाता है, ठीक है। तो ये Na+ है, Cl- है, आयन बना रहे हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो NaCl है उसका जलीय विलयन कैसा है, आयनित होता है, इसमें आयन हमें मिल जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें कि अब जो ये NaCl है ये हमारे किस उपयोग में आता है, आखिर काम क्या आता है, हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला बात तो आपको मालूम है क्या, कि हम इसको खाने में काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरा कि जो खाद्य परिरक्षण है, कि हमारा भोजन खराब ना हो, उसके लिए भी हम क्या काम में लेते हैं, नमक काम में लेते हैं। इसके अलावा किसी भी पदार्थ का हमें हिमीकरण करना है, मतलब हमें जमाना है, वो काफ़ी टाइम तक रहे या ठंडा रखना है किसी भी पदार्थ को, तो हम क्या काम में लेंगे बच्चों, हम NaCl काम में लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, दूसरा है बच्चों NaOH के बारे में। NaOH इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि इसका सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है अपने कास्टिक सोडा। अब बात आती है कि ये कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये मिलता कैसे है, तो बच्चों जो हमारा साधारण नमक था सोडियम क्लोराइड था, उसकी अभिक्रिया अगर हम जल से करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कास्टिक सोडा मिलेगा, साथ ही इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी बच्चों, मुक्त होगी। तो हम क्या करते हैं, जो ये सोडियम क्लोराइड होता है ना बच्चों, इसका विद्युत अपघटन करते हैं। तो विद्युत अपघटन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर दो रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। माना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये किसका विलयन है, ये अपने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। तो जैसे ही इसके अंदर करंट बहना शुरू होगा तो बच्चों यहाँ NaCl से क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और जो ये अपनी केथो एनोड है, एनोड के ऊपर तो कौन सी गैस निकलने लग जाएगी, Cl2 गैस निकलेगी इस साइड से, जबकि जो हमारी क्या है कैथोड है बच्चों, यहाँ निकलेगी अपने हाइड्रोजन गैस। तो एग्जामिनर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब सोडियम क्लोराइड का हम जलीय विलयन बना के विद्युत अपघट्य करते हैं तो कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस निकलती है, एनोड पे क्या निकल रही है बच्चों और कैथोड पे क्या निकल रही है, तो हमें ये थोड़ा सा याद रखना होगा।
अब बात आती है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके गुण क्या क्या है बच्चों, तो ये भी श्वेत रंग का होता है और ठोस पदार्थ है। कैसा? चिकना ठोस पदार्थ है। अब इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है बच्चों 591 केल्विन। और ये जो जल के अंदर है, जल के अंदर शीघ्र ही घुल जाता है, शीघ्र विलय हो जाता है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो ये है, ये एक प्रबल क्षार है। क्या है बच्चों? प्रबल क्षार। और ये आयनित होता है, किसके अंदर होता है? जो NaOH है, NaOH है, ये टूट जाएगा एक तो सोडियम आयन में Na प्लस में, और एक टूट जाता है बच्चों ये OH माइनस में। तो आयन दे रहा है ना, धनायन भी दे रहा है, ऋणायन भी दे रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? ये आयनित है, इसलिए क्या है? ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्लियर? आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या काम में आता है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे साबुन, कागज, सिल्क, कपड़ा उद्योग, इन सब के अंदर रसायन के रूप में काम में आता है। इसके अलावा जो बॉक्साइड धातु है ना, उसके धातु कर्म के अंदर भी बच्चों ये उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में काम में आता है। विभिन्न प्रकार के जो तेल है या वसा है, इनके निर्माण करने में भी काम में लिया जाता है। प्रयोगशालाओं के अंदर भी क्या है? काम में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों विरंजक चूर्ण की। तो विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्लियर है? इसको साधारण भाषा में क्या कहते हैं? इसको साधारण भाषा में कहते हैं बच्चों हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? जो कलर को साफ करे, है ना। तो ये कैसे करता है, देखो हम बात करते हैं। अब विरंजक चूर्ण है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखो बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, मतलब जो भूजा हुआ चूना होता है, अगर उसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवा दें तो बच्चों क्या मिलेगा हमें? CaOCl2+H2। क्लियर है? अब ये होता कैसे है, देखो इसके गुण क्या क्या है। ये होता है पीले रंग का, और इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग तीक्ष्ण मतलब तेज गंध आती है, ठीक है। और कैसा पदार्थ है? ये ठोस पदार्थ है। अब जो ये है बच्चों, ये भी जल में क्या है? विलय है। और इसको वायु में खुला रखने पे कौन सी गैस देगा बच्चों? क्लोरीन गैस देगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ये CaOCl2 है, जो विरंजक चूर्ण है हमारा, अगर इसकी अभिक्रिया अम्लों से करा देना बच्चों, किसी भी प्रकार के अम्ल से, तो ये कौन सी गैस देगा? ये क्लोरीन गैस देगा। हमने यहाँ दो रिएक्शन लिखी है, ठीक है। पहले रिएक्शन के अंदर देखो हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवा रही है? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से करवा रहे हैं। तो क्या बन रहा है? CaSO4 जल, और ये कौन सी गैस दे रहा है? क्लोरीन गैस। अब हमने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। तो क्या दे रहा है ये? CaCl2+ जल+ क्या दे रहा है? क्लोरीन गैस। तो ये H2SO4 भी क्या है? अम्ल है। HCl भी क्या है? अम्ल है। और हम यही पढ़ रहे हैं कि जो ये विरंजक चूर्ण होता है, ये किससे? अम्लों से क्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। अब जो ये क्लोरीन गैस है ना बच्चों, ये क्लोरीन गैस जो जल है, उस जल के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और उस जल के साथ जुड़कर ये बनाती है परमाणविक ऑक्सीजन। क्या बनाती है बच्चों? परमाणविक ऑक्सीजन। ये परमाणविक ऑक्सीजन ही क्या करती है बच्चों? विरंजन का काम करती है, मतलब किसी भी कलर को साफ करने का काम करती है। कैसे करती है? क्योंकि ये काम करती है ऑक्सीकारक की तरह। किसकी तरह काम करती है? ऑक्सीकारक की तरह। इधर देखो ये Cl2 है, क्लोरीन ने ना, यहाँ से क्लोरीन गैस मुक्त हुई, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये क्लोरीन जो है ये जल के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये क्लोरीन जल के साथ जुड़ेगी तो देखो बच्चों ये बना लेगा, यहाँ से टूट के HCl बना लेगा, और ये एक परमाणविक ऑक्सीजन मुक्त कर देगा। वैसे तो हमेशा ऑक्सीजन आपको मालूम है O2 के रूप में निकलती है, गैस के रूप में निकलती है, लेकिन इस अभिक्रिया के अंदर ये परमाणविक रूप में निकल रही है। क्लियर है? अब जो ये वाली ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये परमाणविक ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ से, किसी भी कलर वाले पदार्थ से क्रिया करके उसको रंगहीन कर देती है। इसीलिए बच्चों हम इसको काय में काम में ले रहे हैं, हम इसको ब्लीचिंग में काम में ले रहे हैं। क्लियर है?
आगे है ये क्या क्या काम में आता है, तो आपको मालूम है ब्लीचिंग में काम में आ रहा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वस्त्र उद्योग में काम में आएगा। इसके अलावा कागज उद्योग में, पेयजल मतलब पीने वाले जल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक में, ऑक्सीकारक के रूप में और प्रयोगशाला के अंदर विरंजक चूर्ण काम में आता है। आगे बात करते हैं बच्चों हम बेकिंग सोडा की। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। और सामान्य भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? हम इसे खाने का सोडा कहते हैं। अब बात आती है कि ये बनेगा कैसे, तो बच्चों जो हम इसको बनाने की दो रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट तो है कि जो हमारा साधारण नमक था उसकी अभिक्रिया यदि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करवा दी जाए तो हमें क्या क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। या फिर जो Na2CO3 है इसकी अभिक्रिया हम CO2 और जल से करवा दें तो भी बच्चों हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। दोनों में से आप कोई भी रिएक्शन लर्न कर सकते हैं। अब इसके गुण क्या क्या हैं, तो देखो बच्चों ये श्वेत रंग का होगा और ये क्रिस्टलीय ठोस है, पहली बात। दूसरा, ये जल में अल्प विलय है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था बच्चों विरंजक चूर्ण। ये क्या है? ये जल में विलय है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड, वो भी क्या है? जल में विलय है। लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बच्चों ये जल में अल्प विलय है, मतलब बहुत कम घुलता है। अब इसका जो विलयन है, इसका जो विलयन बनाया जाएगा वो बच्चों क्षारीय होता है। कैसा विलयन होगा? क्षारीय विलयन होगा। NaCl कैसा है बच्चों? NaCl होता है उदासीन, जो साधारण नमक है ना वो उदासीन होता है। जबकि बेकिंग सोडा है इसका जलीय विलयन कैसा होगा बच्चों? क्षारीय होगा। इसके अलावा क्या है कि हम यदि इसको गर्म करेंगे, किसको? खाने के सोडे को, बेकिंग सोडे को या सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो हमें ये देता है बच्चों CO2 गैस देता है। क्या देता है? CO2 गैस। इसको गर्म करने पे ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। और इसी कारण हम इसको विभिन्न प्रकार के केक बनाने में, बिस्किट बनाने में या खाद्य पदार्थों में काम में लेते हैं, अपनी ब्रेड वगैरह बनाने में। क्यों? क्योंकि ये CO2 गैस देता है ना, तो CO2 गैस क्या करती है? उस केक को फुलाने का काम करती है। या हम जो भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, हम चाहते हैं इडली बनाए कि वो फूल जाए, तो हम क्या काम में लेते हैं बच्चों? हम खाने का सोडा डालते हैं उसमें। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो CO2 गैस बना देता है गर्म करने पे। आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग, तो इसके क्या क्या उपयोग है? पहली बात तो ये खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, आप ब्रेड बिस्किट जो भी बना रहे हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो हम कोल्ड ड्रिंक जितनी भी पीते हैं ना बच्चों, उसके अंदर जो प्रेशर आता है वो किसके कारण आता है? इस CO2 के कारण ही आता है, ठीक है। इसके अलावा जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब भी हम क्या कर सकते हैं? खाने का सोडा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इसका जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है बच्चों? अभी पढ़ा था हमने क्षारीय होता है। और हमारे पेट में क्या हो रखी है? एसिडिटी, अम्लता हो रही है। और अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे और हमें राहत मिलेगी, क्लियर है। तो जब हमें एसिडिटी होती है तब भी हम ये काम में ले सकते हैं। इसके अलावा पूतिरोधी में, अग्निशमक में, प्रयोगशाला में, इन सब में क्या काम में आता है बच्चों? हमारा खाने का सोडा काम में आता है। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं धावन सोडा, मतलब कपड़े धोने का सोडा। अब जो कपड़े धोने का सोडा है इसका फॉर्मूला क्या है? अपने Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसमें देखो .10H2O लिखा हुआ है, मतलब इसमें जल के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं। और इसी को हम क्या कहते थे? क्रिस्टलन का जल, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे। तो इसमें क्रिस्टलन के जल के अणु कितने हैं बच्चों? 10 है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होगा? तो बच्चों वैसे तो इसका निर्माण होता है साल्वे विधि के द्वारा। किसके द्वारा? साल्वे विधि। लेकिन हमारे कोर्स में ये नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको? हम बनाएंगे इसको बच्चों सोडियम बाई कार्बोनेट से। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को यदि हम गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और CO2 गैस क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो ये सोडियम कार्बोनेट है ये जल के अणुओं के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा? अपना धोने का सोडा बना लेगा। आगे हम बात करते हैं इसके गुण क्या क्या है। तो बच्चों ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, जल में क्या है? विलय है, मतलब घुलनशील है, घुल सकता है। इसका जो जलीय विलयन होता है ना बच्चों, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। और यदि अगर इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा? इसके अंदर जो एक क्रिस्टलन का जल है,
जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्रिस्टलन के जल के अणुओं का क्या कर देगा, त्याग कर देगा और वापस किससे बदल जाएगा, Na2CO3, और ये जल के अणुओं का त्याग कर दिया मतलब वो अलग हो गए। तो जो ये Na2CO3 है ना, इसको बच्चों सोडा एश भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सोडा एश। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कि ये काम में क्या आता है धोने का सोडा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, धोने का सोडा है तो कपड़े धोने में या धुलाई में काम में आता है, साफ सफाई में काम में आता है। इसके अलावा ये कास्टिक सोडा, बैंकिंग पाउडर, कास्ट साबुन, बोरेक्स पाउडर, इन सब के निर्माण में काम में आता है। विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है, कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग, इनके इनमें काम में आता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में आता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। कई बार पूछ लेता है POP का पूरा नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा एग्जामिनर, तो हमें मालूम होना चाहिए इसका रासायनिक सूत्र है बच्चों CaSO4.H2O। अब देखो इसमें लिखा है H2O, इसका मतलब इसके अंदर जल के क्रिस्टलन के कितने अणु हैं, H2O है ना, तो ये क्या है, इसका क्रिस्टलन का जल है ये, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है बच्चों, तो जो जिप्सम होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखना, जिप्सम का फॉर्मूला तो होता है CaSO4.2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यही है CaSO4, लेकिन उसमें क्रिस्टलन के जल कितने बच्चों, H2O है, आधा H2O है, ठीक है। जबकि जिप्सम में कितने होते हैं, 2H2 होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जिप्सम है, जिप्सम को जब हम 393 केल्विन तापमान देंगे तो बच्चों ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, ठीक है। जिप्सम से ही हम क्या बना रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना रहे हैं। तो आपको ये तापमान जरूर याद रखना है कितना, 393 केल्विन पर। अब इसके गुण क्या क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो आपको मालूम है श्वेत रंग का होता है, ठोस और चिकना पदार्थ होता है, और यदि हम इसको जल में मिलाए तो जल में मिलाने के कुछ समय के पश्चात ये कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.H2O, ये है ना, इसके अंदर यदि हम जल मिलाएंगे, इस पीओपी के अंदर यदि हम जल मिलाएंगे तो क्या बना लेगा ये वापस जिप्सम बना लेगा। क्यों? क्योंकि H2O इसमें और जल ऐड कर रहे हैं तो ये 2H2O में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। तो जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती है तो हम प्लास्टर बंधवा के आते हैं, वो प्लास्टर क्या है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियाँ होती हैं वो मूर्तियों के निर्माण में भी क्या काम में लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लिया जाता है। टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ने में, भवन निर्माण में, आजकल जो हमारी छतें बन रही है उसके अंदर भी POP करवाते हैं हम, दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ बनाने में और अग्निशय पदार्थों के रूप में काम में आता है। तो बच्चों ये वाला वीडियो हमारा यहाँ फिनिश हो रहा है, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 9 में विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, भाग एक। वे कक्षा 10 में विज्ञान विषय में pH स्केल व दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकी। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 9 में गणित विषय में वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, प्रश्नावली 1.5। वे कक्षा 10 में अंग्रेजी विषय में भोली, भाग 2, 3 व 4। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001।